होनी चाहिए कि ये चीजें जो इसकी गाल है ना ये लंबी और लटकने वाली होनी चाहिए। अभी देखिए कैसा फेस आया इसका, ऐसे ही है। ये चीज है, ये चीज लैब्राडोर में देखनी बहुत जरूरी है और ये प्योर में आती है वाली। और जो कान है ना, कुछ लैब होते हैं कि कान उनके फेस से भी लंबे होते हैं, कान की लेंथ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। और रमजान भाई आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आप सब भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान भाई कौन सी ब्रीड ले आए हैं फिर आज दोस्तों के लिए? ये टेरियर पूडल के पपीज हैं और ये पूरा लिटर लेके आए हैं मदर के साथ। ये मदर भी फोर सेल है, पपीज भी चार इसके फोर सेल है। सही। अच्छा, और जो आपके हाथ में है ये स्पेशल लग रहा है? ये रशियन पपीज है, बिल्कुल टॉय डॉग होते हैं, आपको बताइए जैसे की बिल्कुल छोटी हाइट के होते हैं। और ये रशियन पपीज है। ये मेल है फीमेल है? मेल है। पहले इससे स्टार्ट कर देते हैं वीडियो। रमजान भाई वैक्सीन वगैरह और एज के बारे में थोड़ा दोस्तों को गाइड करें। इसकी कंप्लीट बिल्कुल ट्वाइड हो गया, बिल्कुल छोटी सी हाइट होती है इसकी। हाइट देखिए आप, ये बिल्कुल छोटी हाइट है, इससे ये बड़ा तो बिल्कुल नहीं होएगा। टेल इनकी जो है देख रहे हैं आप, जैसे कि ये टेल इनकी राउंड होती है, बिल्कुल राउंड इनकी टेल हो जाती है, होता ही ट्रिपल कोटेड है। और क्वालिटी आप देख रहे हैं इसकी, कान इनके खड़े हैं। और रमजान भाई ये गार्ड डॉग वगैरह के इस लिहाज से या क्या कहेंगे आप? बेस्ट होते हैं ट्वाइड डॉग है ये रशियन, ये तो घर की बेल है, कोई भी दरवाजे के आगे भी गुजर गया तो उसने शोर मचा देना होता है। और वैसे बाइट वगैरह का तो कोई सीन नहीं है ना, बच्चे वगैरह भी घर में बाइट करते नहीं है, डराते ज्यादा है। फैमिली में तो ये फैमिली मेंबर बन जाते हैं, जैसे कि लोग बाइट से अगर कोई भी आएगा ये उसे डराएगा जरूर। सही। तो ये फोर सेल है? जी हाँ फोर सेल। इसकी डिमांड क्या करेंगे आप? इसकी डिमांड कर 20,000। कमी पेशी हो जाएगी या फाइनल हो जाएगी? आपको पता है कि पहले भी फाइनल रेट नहीं होता, इंशाल्लाह कमी पेशी हम करते हैं और करते रहेंगे। सही, हमारा तो काम है ना भाई हर वीडियो में पूछना ताकि नए से नए दोस्त आपकी वीडियो देखने तो फिर उन्हें कमी पेशी हो जाएगी। तो रमजान भाई ये फीड क्या ले रहा है? ये तो इसको मैं चिकन बॉइल दे रहा हूँ, और अगर डॉग फूड भी दी जाए तो बड़ा प्यार है। इसकी बाल फल हो जाए, कोट देखे ना इसके ऊपर अभी से बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ये छोटी सी हाइट है, इसकी हाइट नहीं बड़ी होनी, सिर्फ इसके बाल बड़े हैं। और ये सात जोन से आने रमजान भाई? ये जो है आप देख रहे हैं ये टेरियर पूडल है, एक दो तीन चार जो है ना इसके पपीज हैं, ये फीमेल के, ठीक है, ये ऊंट भी है नीचे जी, ये चारों जो है इसी के पपीज हैं और टॉप क्लास है ये टेरियर पूडल, इनको कहते हैं इनके कान जो है ना ये खड़े हो जाते हैं। और क्वालिटी आपके सामने है, ये मदर है इनकी। और ये गर्मियों का कोट आप देख रहे हैं, ये दूध देख रहे हैं उसकी मदर के नीचे, ये गर्मियों का कोट है। और ये सर्दियों को फैला के बदल से बड़े प्यारे हो जाएंगे, लॉन्ग हेयर होते हैं, ट्रिपल कोटेड। रमजान भाई बच्चे फीड वगैरह के ले रहे हैं क्या मदर के ऊपर ही? अभी मदर का दूध भी पी रहे हैं, चिकन बॉइल भी ले रहे हैं और डॉग फूड भी ले रहे हैं। सही, सारा कुछ खा लेते हैं। अगर किसी को सेल्फ करवा के ले रहे हैं, ब्लड करवाना है वो हो जाएगा। अगर मेरे पास इनकी मदर ना आती तो मेरे पपी उठा ला रहे थे, बिकी आते हैं उनके सेल्फ पे आ गए, ये खुद खा पी रहे हैं, वो तो वैसे ही मदर, उन्होंने कहा जी मदर भी आप ले लिया, हमने ब्रीडर फीमेल भी देनी है तो मैं फीमेल भी उनकी ले आया। सही। रमजान भाई ये ब्रीड बड़ी कम नजर आती है मार्केट में खास तौर पे, तो ये क्या वजह है? टेरियर पूडल है, अक्सर क्लाइंट ऐसे करते हैं कि इनकी ना ज्यादा बाल खराब कर लेते हैं, उनको नहीं समझ आती, जो इनको रखने वाले हैं उनको पता है कि इनकी बहुत ज्यादा केयरिंग होती है, इनके बालों को ब्रश करना पड़ता है और इनकी बालों की बड़ी अच्छी केयर करनी पड़ती है, बस ये ही वजूहत है। बाकी ये वॉक वगैरह तो इनको कोई करवाने की जरूरत नहीं है, इंडोर रहने वाले लोग हैं ये, इनको कोई इशू नहीं है। वैक्सीने वगैरह बच्चों की कम्प्लीट है? वैक्सीने बच्चों की वैक्सीने दोनों पहली हो गई हुई है, सेकंड जो है वो डेढ़ माह के बाद उसका शोर लगेगा। और रमजान भाई इनमें मेल फीमेल का अलग रेट है, ये सारे मेल है, क्या सीन है? नहीं, इनके अंदर जो है ना एक फीमेल है और चार मेल है। और प्राइस में कोई डिफरेंस है मेल या फीमेल में या एक ही प्राइस है? 20,000 का एक है और कमी पेशी हो जाएगी, ये भी 20,000 का रशियन पपीज भी है। सही। और तो फीमेल है 40,000 मान रहा हूँ, पर अगर आपका व्यूअर्स आएगा तो कमी पेशी हो जाएगी। सही से अगर करी मेला ब्रीड भी करेगी, पांच पपीज दिए थे उन्होंने, एक खुद रख लिया और चार पपीज और फीमेल मुझे दे दी। अच्छा, इनके पपीज के ऊपर भी गोल्डन गोल्डन से हैं इनके, जैसे मदर के कान जो है ना वो गोल्डन है, बाकी फीमेल रेड वाइट है। सही, उसी तरह के उसके पपीज भी सो के हैं, कान गोल्डन है बाकी सारे वाइट हैं। तो एक पपी जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये फुल वाइट है। सही, ये फुल वाइट है, बाकी जो है तीन जो है उनके कान ब्राउन है और वाइट है। वो वाला उनमें यूनिक क्या है, वाइट वाला है, सही है ना? वाला सबसे प्यारा है, अभी उनके सबसे क्यूट है ये फुल वाइट है। बाकी जो चार तीन पपी हैं वो सारे मदर पे भी हैं, कान ब्राउन है बाकी वाइट है। तो रमजान भाई ने वेदर के हिसाब से कोई गर्मी वगैरह का तो यार इशू नहीं है? नहीं, ज्यादा हम लोग नॉर्मल बैठे हैं वहाँ, ये पेट नॉर्मल है, कुछ क्लाइंट इस तरह के व्यूअर्स होते हैं आपके भी है कि जो गर्मी में डॉग मान देते हैं कि हम लोग नॉर्मल है तो डॉग भी नॉर्मल है, नहीं ऐसे नहीं है, जहाँ आप लोग नॉर्मल है वहाँ डॉग भी नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है।
यूं पूछने का ये मकसद था ना, देखें जैसे वेदर चेंज हुआ, गर्मी है, गर्मी है तो जहाँ हम लोग जितनी गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं उतना ढोक कर लेते हैं, पर ये है कि इसको शावर करना, शावर देना, साफ रखना, ठंडी जगह पे रखना, कोई मसला नहीं होता। तो रमजान में इनके हेयर वगैरह कटिंग करवाने चाहिए या नहीं, या अपने हिसाब से जैसे आप कह रहे हैं, अगर एसी वगैरह लगा हो तो लगा हो तो लोग रह लेते हैं, पंखा वगैरह होना, कूलर वगैरह होना तो बहुत जरूरी है, जैसे कि हमें ये चीजें बहुत जरूरी है। और इनकी कटिंग वगैरह अगर प्रॉपर इनको ब्रश वगैरह होता रहे तो कटिंग करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। रमजान भाई फीमेल की एज क्या होगी? इतनी गर्मी है, ये देखे इसकी बाल, इसकी टांगों पे सारे बाल है, गर्मी देखे कितनी है, और दूध देखे फीमेल के नीचे जी, मिल्क भी पिला रही है इतनी गर्मी में, बच्चों को भी सर्वाइव कर रही है, और फीमेल की क्वालिटी देखे बिल्कुल छोटी हाइट है फीमेल की। एज क्या रमजान भाई फीमेल की? फीमेल बिल्कुल छोटी सी है, अभी ये 12 महीने की है, फर्स्ट इसे लीटर दी है। सही, और फीमेल की डिमांड क्या करेंगे आप? फीमेल की 40,000 का डिमांड कर रहा हूँ, कभी पेशी हो जाएगी। सही, तो फ्रेंड ये देख लीजिए आपके सामने है, फोर पपी है ना रमजान भाई इसके? हाँ जी, फोर पपी, फोर इसके हैं, और एक खा देता हूँ, ये चारों जो पपी है ना ये वाले इसके हैं, और एक पपी जो है वो रशियन है, ये देखें ये चारों पपी इसके। सही, ये चारों इसके पपी हैं। हाँ, ये चारों पपी इसके। प्राइस है वो भी फाइनल नहीं है, रमजान भाई से जो कॉन्टेक्ट करेगा रब्ता प्राइस कम हो जाएगी, फाइनल प्राइस नहीं होती हमारी। एक ये रशियन पपी है मेरे पास, इसका भी कान फॉरेस्ट ब्राउन है, बाकी ये एग वाइट है, क्वालिटी देखें आप, बहुत प्यारी क्वालिटी है, ट्रिपल कोटेड है, हाइट इनकी प्रॉपर यही रहेगी। चैनल पर नए आने वाले दो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, अभी वीडियो में बहुत कुछ है देखने। और ये फीमेल जो है बॉल के साथ बड़ा खेलती है। सही, दिखाइएगा जरा, ये देख बॉल के साथ बड़ा ट्रेंड है, बॉल के साथ बड़ा खेलती है, अपनी टरी हुई है, उसका पूरा ध्यान बॉल की तरफ ही है, देखें साथ ही दोस्तों मूवमेंट देखने कानों की, जिस तरफ बॉल जा रही है उधर ही उसका ध्यान है, ये देख लो। और रमजान भाई नेक्स्ट कौन सा दिखाएंगे? नेक्स्ट मैं आपको एक लैब्राडोर पपी दिखाने हैं, और ये पोर्टल देखे जिंदगी में पहली दफा देखे बॉल का ट्रेंड। जी रमजान भाई इसके बारे में बताइएगा, क्या है योगी दोस्त इसकी? ये 3 महीने का पपी है, लैब्राडोर, नेशनल लैब्राडोर है। मेल है फीमेल है? ये मेल है। शाइन बढ़िया है यार इसके ऊपर, शाइन देखे, ये पेडिग्री पेरेंट्स का बच्चा है, और अच्छी क्वालिटी के मेटल लेवल। रमजान भाई फीड वगैरह क्या दे रहा है ये? फीड तो इसको चिकन बॉइल और डॉग फूड दे रही है, तो क्वालिटी आपके सामने है, वैक्सीन वगैरह इसकी कंप्लीट है, साइज 3 माह का बहुत अच्छा साइज है, बिग साइज है, हैवी बोन है पपी इसकी, पंजा बहुत अच्छा है, कान हेड मसल वाइट बहुत परफेक्ट है। शेक हैंड जरा करें जैसे आप स्टार्ट में कर रहे थे, करता है ये देख लो फ्रेंड्स आपके सामने, यानी कि ये भी फुल ट्रेन है, फुल ट्रेन है, सीट स्टिक एंड पानी में भी अगर बोल फेंकते हैं तो ये निकाल के लाता है। ठीक है रमजान भाई, आपने ज़्यादातर जितने भी डॉग्स वगैरह दिखाए हैं वो ट्रेन ही होते हैं, क्या वजह क्या है, कहाँ से लेते हैं, दोस्तों की भी राज बता दें जरा। हाँ जी, कुछ लोग होते हैं कि फार्म से खरीदते हैं, फार्म से मंगवाते हैं, हमारे जो पेट्स होते हैं फार्मों से तो आते नहीं है, ये एक एक करके हमने परचेज करने होते हैं तो देने होते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो फार्म से मंगवाते हैं तो वहाँ वो तो ट्रेन नहीं होते, वो तो सही, ये फैमिलियों में से आते हैं, इसलिए फैमिलियों में से आते हैं, कुछ लोगों से नहीं रखा जाता पेट, वो इसलिए परचेज सेल कर देते हैं, कुछ लोगों का शौक खत्म हो जाता है, वो इसलिए कर देते हैं। और मसल की जो साइड है वो यूं होनी चाहिए कि ये चीजें जो इसकी गाल है ना ये लंबी और लटकने वाली होनी चाहिए, अभी देखिए कैसा फेस आया इसका, ऐसे ही है, ये चीज है, ये चीज लैब्राडोर में देखनी बहुत जरूरी है। और ये प्योर में आती है खाली, और जो कान है ना कुछ लैब होते हैं कि कान उनके फेस से भी लंबे होते हैं, कान की लेंथ ये होनी चाहिए, 3 माह का बपी की प्रॉपर ये कान होना चाहिए, ज्यादा बड़ा भी कान नहीं होना चाहिए। और टेल अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो टेल ये मैकल लैब्राडोर की ये टेल है, और इनकी टेल राउंड नहीं होनी चाहिए, कि जैसे कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट टेल नजर आ रही है, टेल ऊपर नहीं ला रहा है बपी, टेल इसकी नीचे ही रहनी चाहिए, शाइन देखे बपी के ऊपर, चेस्ट इसकी देखिए आप फुल ब्लैक, इनके अंदर व्हाइट बाल नहीं होना चाहिए, फुल ब्लैक होना चाहिए, और टेल हेड ये पॉइंट्स होते हैं, और पंजा इनका बंद पंजा होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप इसकी पंजा देख रहे हैं ये खुला नहीं है, ये बंद है, इसकी फिंगर कुछ पर लैब की होती है यू, वो नहीं होनी चाहिए, खुली नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, क्योंकि लैब होता है सीमिंग के लिए डॉग, इसका पंजा खुला होना चाहिए नहीं। भाई ये फीड क्या ले रहा है?
रमजान में डिमांड क्या करेंगे आप इसकी? डिमांड तो इसकी 30,000 रुपए कर रहा हूँ। कोई अगर आपका व्यूअर्स आएगा तो कार्गो अवेलेबल है ना? कार्गो पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। आपके व्यूअर्स जितने भी हैं वो सुबह 5-6 बजे कॉल करते हैं। मैं तो सबको यही बोलूंगा कि मुझे 2 बजे के बाद अगर आपको कॉल करें तो कॉल मत से कॉल करें। अच्छा, अभी भी फिर वो दोबारा वही वाला काम शुरू हो गया? कोई काम शुरू हो गया। एक बे टाइम कॉल कर रहे हैं, दूसरा है कि ना वो मुझे 3-4 दफा भी कॉल आई है। 8,000 में शेफर्ड का बच्चा चाहिए, वो भी जरा थोड़ा रिप्लाई कर दें, उन्हें कौन सा मिलेगा, क्या सीन है? 8,000 का बच्चा कह रहे हैं फेसबुक पे सस्ता दे रहे हैं, आप लोग महंगे देते हैं। शेफर्ड का जो बच्चा है ना वो एक दिन का भी 8,000 का नहीं मिलता। आज कल जो फीमेल अच्छी अच्छी मेल के साथ जो मेट हो रही है वो 1.5 लाख रुपए में जो पक्की मेट हो रही है, तो 8,000 का पपी देगा जिसने 1.5 लाख रुपए देके फीमेल मेट करवाई है? ऐसा नहीं होता। 8,000 का पपी जो जर्मन शेफर्ड लोगों ने रखने शुरू किए थे तब भी इतने का नहीं था। सही, वो कह रहे हैं जी फेसबुक से सस्ते मिलते हैं, आप यूट्यूब वाले महंगे बेच रहे हैं। हमारी मार्केट से भी 5-6 हज़ार रुपए का जर्मन शेफर्ड मिलता है, पर वो सिर्फ कलर होता है, जर्मन शेफर्ड वाला क्वालिटी नहीं होती। सही, हमने दिखाई होती है आपके चैनल पे क्वालिटी। सही, क्वालिटी के पैसे होते हैं ना, जानवर के पैसे नहीं होते। दोस्तों को जरा आइडिया दे दें लैब का और शेफर्ड का, नॉर्मल बच्चा जो होता है प्राइस का आइडिया हो जाए ताकि वो बच जाए जरा लोगों से। शेफर्ड जो पपी लेना है बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल जो है 40-45 से शुरू होता है। सही, ठीक है, ऊपर जाता है नीचे नहीं आता। जर्मन शेफर्ड लैब्राडोर जो है ये 20 से शुरू होता है, ऊपर जाता है नीचे नहीं आता जो पपी है। मेहरबानी रमजान भाई, आपने इतना टाइम दिया। ले भाई।